राजा सलेमान दीवान की बात सुनके उसको 3 लाख रुपए का जुर्माना कर देता है, लेकिन दीवान रुपये शाह ने कहा, महाराज पूर्ण मल के बदले में मेरी जान भी हाजिर है। सजनों इतने में रानी इंचरा दे पूर्ण मल की माँ आ जाती है और वो राजा को समझाने लगती है इस भजन के द्वारा कैसे। हाँ पूरण मल ने मरवा के तू के आनंद लूटेगा, पूरण मल ने मरवा के पकड़े रोवेगा जब घड़ा पाप का फूटेगा, पिया शीश पकड़े रोवेगा जब घड़ा पाप का फूटेगा, पूरण मल ने मरवा के तू के आनंद लूटेगा, पूरण मल ने मरवा के तू के आनंद की प्याली घुटेगा, मेरा पूरण पूरा योगी नागस की प्याली घुटेगा, पूरण मल में मरवा के तू के आनंद बिल्कुल कूठा उठेगा, फिर लाल नहीं पावेगा तेरा बिल्कुल कूठा उठेगा, पूरण मल ने मरवा के तू भी आनंद लूटेगा, पूरण मल ने मरवा के तू भी के आनंद लूटेगा। Thank you.
मेरा भरम एक दिन टूटेगा कृष्ण लाल आज ना तड़के राजा सलीभान की रानी इंसरादे अपने पति को समझाती है कि इसमें हमारे पूरण मल का कोई कसूर नहीं है। तो सलीभान कहता है हे रानी, तेरे को पता नहीं कि पूरण मल ने रानी नूना दे के साथ कैसा जुल्म किया है। अगर हम इसे माफ करते हैं तो प्रजा हमें क्या कहेगी। इस वजन के द्वारा वो राजा सलेभान रानी को कैसे समझाता और क्या कहता है। हा रानी मैं करके सुत की मेरे छोड़ तू साड़ा हो जागा। मत मोह में
ना बोले इंचरा छो मैं मते ना बोले इंचरा छो मैं रानी इन कर दिया कति अंधेर छोड़ जूत साड़ा हो जागा भगतजनों रानी की बात राजा सलेबान ने नहीं मानी और जल्लादों को हुक्म दिया कि इसके दोनों नेत्र निशाने के तौर पर ले आना, दो प्याले खून के भर लाना। तो सजनों रूपी शाह दीवान कहने लगा, महाराज मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। जब पूर्णमल से पूछा गया तो पूर्णमल ने अपनी मौसी से मिलने की बात कही। राजा सलेबान ने बोला, अरे दीवान तुम तो इसे बेकसूर बता रहे थे, इसका जी अब भी इसकी मौसी में पड़ा है, लेकिन जाओ मिलवा दो। चलते पूर्णमल अपनी जननी माँ को समझाता है कैसे। हाँ माँ एक दिन सबने जाना कोई अमर नहीं संसार में, माँ एक दिन सबने जाना कोई अमर नहीं संसार में, माँ एक दिन सबने I'm
सिके होरी से डूबा डेरी समझाकर जब पूरणमल नूणा दे के महल में गया और प्रणाम किया तो नूणा दे पूरणमल को क्या कहने लगी इस भजन के द्वारा। हाँ तू पूरण मर कर ख्याल हो ख्याल तन कति कतल करवा दूंगी। तू पूरण मल कर ख्याल हो ख्याल तन कति कतल करवा दूंगी। तू पूरण मल कर ख्याल हो ख्याल तन कति कतल घाली घेरी हो होनी ने घाली घेरी हो। तू बात मान ले मेरी हो तू बात मान ले मेरी हो। मेरा पूरा करो सवाल हो सवाल तन फांसी ते तरवा दूंगी। हो मेरा पूरा करो सवाल सवाल तन फांसी ते तमाशा कर दूंगी। ना तो इसा तमाशा करूंगी।
खिंचवा दूंगी खाले हो खाले तेरे तन में भूस भरवा दूंगी तेरी खिंचवा दूंगी खाले हो खाले तेरे तन में भूस भरवा दूंगी तू पूरण मर कर ख्याल हो ख्याल तन कसी कतल करवा दूंगी तेरा रति भर भी खोट नहीं तेरा रति भर भी खोट नहीं पर कोए अपील रपोट नहीं पर कोए अपील रपोट नहीं जी आग कसूती बाड़े हो बाड़े तन पे नयाई मरवा दूंगी दी आग कसूती बाड़े हो बाड़े तन पे नयाई मरवा दूंगी जब तू मेरे मन का मेली जब तू मेरे मन का मेली फिर कौन सा तीसरा तेली फिर कौन सा तीसरा तेली मारी इस बीरा की चाल हो चाल तेरे ताज शीश पे धर दूंगी मारी इस बीरा की चाल वो चाल तेरे ताज शीश धर भक्तजनों आप जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ये चीता कैसे कंपनी के सौजन्य से सुन रहे हैं प्रेमी भक्तजनों हाँ मन की काढ़ मरोड़ दिए मन की काढ़ मरोड़ दिए चल चंदर भान गरोड़ दिए चल चंदर भान गरोड़ दिए मारे सतगुरु कैसन लाल हो लाल उनकी भी दया करवा दूंगी मारे सतगुरु कैसन लाल हो लाल उनकी भी दया करवा दूंगी तू पूरण मल कर ख्याल हो ख्याल तन कति कतल अब पूरणमल को जल्लाद बियाबान में ले जाते हैं और हाथ पैर काटकर कुएं में डाल देते हैं उधर से गुरु गोरखनाथ जी आ जाते हैं और जल पीने के लिए गोरखनाथ जी ने डोल कुएं में डाला पूरणमल उस डोल को पकड़ लेते हैं गोरखनाथ जी पूछते हैं तुम कौन हो तो इस भजन के द्वारा वो पूरणमल गोरखनाथ जी को कैसे जवाब देता है हाँ
लखीनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सुनो गोरखनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सुनो गोरखनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सले बिना खता गया मारा, ये चिड़िया का इंतकाम है। बेटा सलेबान का और पूरण मल तेरा नाम है। सुनो गोरखनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सतगुरु बनो ही माती, मेरा सतगुरु ही मेरा राम है। मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सुनो गोरखनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। दर्शन दर्शन मेला मेरा गुरु करावड़ धाम है। मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सुनो गोरखनाथ गुरु जी मेरा शाल कोट घर काम है, मैं बेटा सलेबान का और पूरण मल मेरा नाम है। सज्जनों पूरण
उभार निकाल कर सामरथ कर दिया जाता है। पूर्णमल बोले, बाबा मैं तो अब आपकी शरण में रहूंगा। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल को क्या समझाने लगे इस भजन के द्वारा। मुश्किल ते साधना जोगी हो जोगी गुरु गोरखी बोले पूरण ते मुश्किल ते साधना
दरबान गुरु जी पागे दरबान गुरु जी पागे कृष्ण लाल अगम से आगे कृष्ण लाल अगम से आगे मिट गए सारे सो चेला बना लेते हैं। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी को चीन देश में सुंदरा देश से भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, जिसने 1400 साधु कत्ल कर दिए थे। तो उधर पूरणमल भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। इस भजन के द्वारा कैसे बीतती है, कवि कैसे वर्णन करते हैं। अलख निरंजन मायरी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी अलख निरंजन मायरी तेरे द्वार खड़ा एक सुंदर शान संत की भोली सुंदर शान संत की भोली बोलिए हाथ में चिमटा जोड़ी ये हाथ में चिमटा जोड़ी वतन में भस्म रमाई तेरे द्वार खड़ा एक जोगी वतन में भस्म रमाई तेरे द्वार खड़ा एक जोगी अलख निरंजन मायरी तेरे द्वार खड़ा से